हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम डर नहीं रहे हैं। हमने तुमसे शादी इसीलिए की थी ताकि तुम हमारी आग बुझा सको, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। पहले तो तुम हमें बहुत मजा दिया करती थी, हा? हम जो चाहते थे वो हमें दिया करती थी, और अब क्या हो चुका है? एकदम से हमसे अलग अलग क्यों रहने लग गई हो? एक पत्नी का सुख तो हमें पता है, लेकिन आप जो हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, ये हमारी समझ में तो नहीं आता। हमें थोड़ा तो वक्त लगेगा ना ये सब अपनाने में। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें, और किस लिए चाहिए? भूल गई हो क्या कि तुम हमारी पत्नी हो? हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं, जब चाहे तुम्हें अपनी बना सकते हैं, जितना चाहे तुम्हें सकते हैं, समझी? माँ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं बेटा, हम बस ऐसे ही यूं ही कुछ सोच रहे थे। तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? माँ, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। जब से हम आए हैं ना यहाँ पर, पापा ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ करेंगे हमारे लिए। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताओ, वो दीपक, वो अच्छा लड़का तो है ना? हाँ माँ, वैसे आपने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है, पापा से शादी करके। आप दोनों हमेशा खुश रहो। माँ, आप क्यों रो रही हो? अच्छा, मैं जानती हूँ, ये खुशी के आंसू है ना? आप भी हमारी तरह बहुत खुश है ना? हम यही तो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर लगता है कि हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हारे पापा गलत नहीं, शायद हम सबसे ये अलग हैं, और हम तुम्हारी खुशी के लिए ये शादी निभाएंगे बेटा, फिर हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े।